नमस्ते जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज बहुत दिन के बाद एक न्यू रेसिपी लेके आए हैं, चिंगड़ी पोइसा। तो रेसिपी पूरा देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी है, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे 3 पाव चिंगड़ी लिया है। देखिए, इसको हमने साफ कर लिया, अच्छे से छील लिया है, धो लिया है, गैस ऑन कर दिया, गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई गर्म हो जाएगा, उसमें सरसों का तेल डालेंगे। खाना हम पूरा सरसों का तेल से ही बनाएंगे। आप जो तेल यूज़ करते हो उस तेल से बनाइएगा, लेकिन सरसों का तेल से ज़्यादा टेस्टी होता है, इसलिए हम सरसों का तेल से ही बनाएंगे। तब हम इसमें तेल डालेंगे, हम इसमें 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे। तेल डाल दिया, तेल गर्म होगा, फिर हम इसमें चिंगड़ी को छोड़ेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें चिंगड़ी डालें। ये देखिए, हमने चिंगड़ी को डाल दिया है, इसे चला लेंगे। इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे हम। नमक डाल दिया है, इसको तेज आंच में पकाएंगे, जब तक कि देखिए हमारी चिंगड़ी में थोड़ा सा पानी छोड़ा, पानी को सोख ना ले। फिर 3 से 4 मिनट में हो जाएगा। ये देखिए, हमने एक बड़ा साइज का प्याज लिया, एक छोटा साइज का प्याज लिया है, 1 लहसुन लिया। इन सबको हम बारीक काट लेंगे। हमने 250 ग्राम कोहड़ा लिया है, इसको भी कट कर लेंगे, छील लेंगे, उसके बाद कट करेंगे। ये देखिए, बड़े बड़े टुकड़ों में कट करना है। हमने 1/2 किलो आलू लिया है, इसको भी छील के कट कर लेंगे। ये बंगाली रेसिपी है। हमने 1 किलो पोइसा लिया था, देखिए भी छील के उसको कट करके अच्छे से धो के साफ करके रखा है। उसका डंटल भी दे दें, डंटल को ना फेंके। ये देखिए, चिंगड़ी हमारा भुना गया है अच्छे से, तो कलर भी चिंगड़ा, पानी भी सोख गया। अभी हम निकाल लेंगे बर्तन में। हमने चाय के कप से 1 कप तेल डाला है, फिर से सरसों तेल। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे, 2 तेज़पत्ते डालेंगे, 1 छोटा चम्मच पचफोरन डालेंगे। इन सब को हम 10 सेकंड तक पकने देंगे। 10 सेकंड हो गया है, अब हम इसमें प्याज को डाल देंगे। ये देखिए, हमने लहसुन और प्याज को कट कर लिया है। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए, 5 मिनट लगेगा, 10-5 मिनट हम हाई फ्लेम में भूनेंगे। बीच बीच में आप चलाते रहिएगा, वरना प्याज जल सकते हैं। ये देखिए, आलू और कोहड़ा को हम काट लिए। आलू को छील के ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में काटे हैं। इस तरह कोहड़ा को भी देखिए, हमने छील के मोटे मोटे टुकड़ों में काटे हैं। इन सबको धो लेंगे अच्छे से। देखिए, हमारा प्याज को हमको और फ्राई करना भी नहीं हुआ है। ये आधी लहसुन का पेस्ट बनाना है। हम अपने मसाले ले लेंगे, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हम लोग तीखा ज़्यादा नहीं खाते हैं, तीखा आपको पसंद है तो आप क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, 1.5 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर। इसमें हम आधी लहसुन का पेस्ट भी मिला लेंगे। देखिए, आधी लहसुन का पेस्ट भी हम इसमें मिला दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ही करेंगे, इतना मसाले भीग जाए, बस इतना ही पानी ऐड करेंगे। इधर हमारे प्याज भी हो चुके हैं, देख सकते हैं, गोल्डन ब्राउन बहुत ही सुंदर से हो चुके हैं। अब इसमें हम अपने मसाले को भून लेंगे। मसाले को हम मीडियम फ्लेम में 5 से 7 मिनट भूनेंगे। ये देखिए, सारे मसाले डाल देंगे, चला लेंगे अच्छे से। मीडियम फ्लेम में करना, वरना मसाले जल जाएंगे। आप बीच बीच में चलाते रहिएगा। ये देखिए, मसालों में से तेल छोड़ दिया है। 7 मिनट हो चुके हैं, हमारे मसाले भुना चुका है बहुत ही अच्छे से। ये कलर भी पूरा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें अपने आलू कोहड़ा और पोसा को डालेंगे। आलू कोहड़ा को डाल दिया है, ये देखिए डालेंगे। अब इसमें पोसा डालेंगे, ये पोसा भी डाल दिया, इसको अच्छे से मिला लेंगे। सबको मिला लिया, अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। हम इसमें 1.5 बड़े चम्मच डालेंगे। देखिए, नमक इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। लेकिन सबसे इसको अच्छे से मिला लिया, हम इसमें अपना भुना हुआ चिंगड़ी डाल देंगे। अच्छे इसे भी अच्छे से मिला लेंगे चिंगड़ी को। इसका फ्लेवर अच्छा होता है। आप चाहे तो चिंगड़ी के बिना भी बनाइएगा, कभी आलू को इस तरह से ही बनाइएगा।
को अच्छे से हमने मिला लिया है। अब इसे हम ढक देंगे मीडियम फ्लेम में 15 मिनट। आप बीच बीच में चलाइएगा वरना मसाले चिपक जाएंगे। अब फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। ये देखिए हमारा पोर्क चिंगड़ी बनके एकदम रेडी है, तो बहुत ही टेस्टी होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।